हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन स्पेशली एक ट्रेन के लिए। ट्रेन का नाम है उत्तर संपर्क क्रांति और ये ट्रेन नई दिल्ली से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलाई जाती है। दोस्तों रिसेंटली इस ट्रेन के अंदर एक बदलाव हुआ है। ट्रेन के 7 स्लीपर कोचेस को हटा करके 2 कर दिया गया है। तो पहले आप देखिए कि ट्रेन का हाल क्या है और ट्रेन का स्लीपर क्लास किसी जनरल से जो है कम नहीं लगता है। दोस्तों अगर रेलवेज को एसी कोचेस लगाकर लोगों को एसी कोचेस में ही सफर करवाना है तो अच्छा यही होगा कि वो ऐसी ट्रेनों में से स्लीपर कोचेस को बिल्कुल निकाल दे। 2 कोचेस भी यहाँ पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोस्तों 2 स्लीपर कोचेस हैं। अगर मैं अभी किसी भी टाइप के कोटाज वगैरह, तत्काल वगैरह, इन सब चीज़ों को जो है साइड रख दूँ तो 2 कोचेस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, 160। ठीक है, अभी सेप्टेम्बर एंड का महीना है, अक्टूबर में नवरात्रे आते हैं एंड दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाली जितने भी श्रद्धालु हैं ना उनके लिए ये गाड़ी मोस्ट प्रेफरेंस पे गाड़ी है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको आती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा टिकट्स जो हैं बुक होती हैं। अगर आप अक्टूबर एंड में देखें इस ट्रेन के अंदर 250 से भी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट टिकट जो है बुक हो रखी हैं एंड जिस हिसाब से रेलवेज का एल्गोरिथम वर्क करता है, रिजर्वेशन एल्गोरिथम वर्क करता है, 250 वेटिंग वालों में से एक का भी टिकट कंफर्म नहीं होना आप लिखवा सकते हो, आरएसी भी नहीं जाएगा, इतना बुरा हाल होगा। क्यों? क्योंकि सारे कोटास ऑलरेडी जो है फिल हो चुके होंगे। तो ऐसे में रेलवेज कहीं ना कहीं जो लोग स्लीपर क्लास की टिकट जनरली बुक करवा रहे हैं उनका जो सफ़र का एक्सपीरियंस है वो ख़राब कर रहा है क्योंकि ये जो 250 वेटिंग आपने बांट दी ये रिग्रेट हो जानी चाहिए थी। 30-40 वेटिंग के बाद ये रिग्रेट हो जानी चाहिए थी और आपने क्योंकि इनको रिग्रेट नहीं करा तो ये जो 250 टिकटें आपने वेटिंग में बांट दी इसमें से जो भी लोगों ने काउंटर्स टिकट करा रखी होंगी वो सब जो है ट्रेन में चढ़ेंगे और ज़बरदस्ती ट्रेन में भीड़ बढ़ेगी। एंड आप जस्ट इमेजिन करिए अगर इन 2 डब्बों में जिसमें सिर्फ 160 लोग बैठ सकते हैं इसमें 100 या 150 लोग फालतू के चढ़ जाएं और जर्नल से आकर के भी चढ़ जाएं तो क्या हाल जो है होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवेज, मतलब मैं एक अपोज़ भी नहीं कर रहा इस चीज़ को कि भाई एसी कोचेस नहीं आने चाहिए, उसके अपने रीज़न से वो क्यों आने चाहिए, बट 1-2 स्लीपर कोचेस अगर आप छोड़ रहे हो तो बेटर है आप सारे कोचेस को जो है निकाल दो। तो आप चाहो या ना चाहो अगर आप सीधा टिकट बुकिंग कराने जाओगे तो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी उत्तर संपर्क क्रांति। सबसे सस्ती, बढ़िया, फास्ट एंड टाइमिंग वाइज बहुत बढ़िया गाड़ी है आपको वैष्णो देवी पहुँचाने के लिए, बट सैडली नवरात्रि के आसपास या उसके आने वाले टाइम में भी इसके स्लीपर क्लास में टिकट खाली नहीं है। अगर मैं इसके स्लीपर क्लास की बात करूँ आपसे जनवरी 2024 तक के, जिस तक का सीट ओपन है इस वीडियो के बनाने टाइम तक में, तब तक भी दोस्तों सीट्स अवेलेबल नहीं है। जनवरी 2024 तक में जो है इसके स्लीपर क्लास में वेटिंग चल रहा है। अगर आप वैष्णो देवी वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप कोई और ट्रेन देख लें या वंदे भारत के अंदर जाएं क्योंकि उसके अंदर आपको नवरात्रि के टाइम में भी सीट्स अभी इस टाइम जो है मिल जाएंगी। ये जो है बुरा हाल हो रखा है इस गाड़ी का। आप लोगों को थोड़ी सी जो है बातचीत बताना चाहता था इस गाड़ी को लेकर के। 2 डब्बे होने से इतना जो है बुरा हाल हो गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी है एसवीडी के लिए। तो दोस्तों मैं जो है आपको दिखाता हूँ उस ट्रेन का डिपार्चर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और ज़रूर से देखिएगा कि गाड़ी जो है कितनी ज़्यादा पैक होकर के जाती है न्यू दिल्ली से ही। एंड इस गाड़ी में भूल से भी स्लीपर मत लीजिएगा, एक तो आपकी वेटिंग कंफर्म नहीं होगी, अगर कंफर्म हो भी गई तो किस हालत में आपको जो है जाना पड़ सकता है। प्लीज़ दोस्तों कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर से दीजिएगा और अगर आप कोई भी सुझाव वगैरह देना चाहते हो तो भी जरूर से दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, रखते हैं। चाय लेके चलिएगा पूरा क्या यार, पूरा चाय लगा
पीटी कर रहा था। हां Thank you.